हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स क्या होती हैं, हॉर्मोन्स क्या हैं, ग्लैंड कितने टाइप की है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, कौन कौन से हॉर्मोन्स वो सिक्रीट करती है और उन हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, मेल में है टेस्टिकल्स और फीमेल में ओवरीज। फर्स्टली एंडोक्राइन सिस्टम में है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनकी सिक्रीशंस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं। हॉर्मोन्स क्या हैं? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। काम क्या है इनका? ये दो सेल्स के बीच में एज अ मैसेंजर एक्ट करते हैं, मैसेजेस ट्रांसमिट करने का काम है हॉर्मोन्स का, और ये बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी में बनते हैं। फर्स्टली ग्लैंड सेल्स को मिला के या ग्रुप ऑफ सेल्स से बनती है, जो कि डिफरेंट सिक्रेशंस जो है रिलीज करती है, जैसे कि एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड म्यूकस। दो तरह की ग्लैंड है हमारे पास, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके पास डक्ट्स होती है, ये अपनी सिक्रेशंस उन्हीं डक्ट्स में डालती है और वो डक्ट्स टारगेट साइट तक उन सिक्रेशंस को, उन हॉर्मोन्स को लेके जाती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड एंड लिवर। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनके पास अपनी डक्ट्स होती हैं और टारगेट साइट तक वो उन हॉर्मोन्स को पहुंचाने के लिए उन्हीं डक्ट्स का यूज करती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड एंड लिवर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं और ये अपनी सिक्रेशंस को ब्लड में ही रिलीज करती हैं, जिसके थ्रू, ब्लड के थ्रू वो अपनी सिक्रेशंस को टारगेट साइट तक पहुंचाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के हॉर्मोन सिक्रेट करते हैं, जैसे कि रिलीजिंग हॉर्मोन्स, इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। रिलीजिंग हॉर्मोन्स ऐसे हॉर्मोन हैं जो दूसरे हॉर्मोन सिक्रेशन को इंक्रीज करवाते हैं, और जो इनहिबिटिंग हॉर्मोन है ये दूसरे हॉर्मोन की सिक्रेशन को कम करते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो बनते हैं, ADH, वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये बनते कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस में, और ये स्टोर कहाँ होते हैं? जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर वहां से ये रिलीज होते हैं, लेकिन बनते ये हाइपोथैलेमस में ही है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। हमारी मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है, जो कि हमारे दूसरे हॉर्मोन्स के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारी जो मास्टर ग्लैंड है, उसके फंक्शन को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, जो कि रिलीजिंग हॉर्मोन सिक्रीट करवाता है और इनहिबिटिंग हॉर्मोन सिक्रीट करवाता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला गया है, यानी मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस में फर्स्ट है हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं? दूसरे हार्मोन की सिक्रेशंस को, मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन प्रेजेंट है उनके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करते हैं? दूसरे हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं, जैसे कि सोमैटोस्टैटिन। ये है हमारा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करवाता है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो है ये हाइपोथैलेमस में बनेंगे, देन ये स्टोर होंगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में। रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से हैं जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, और इनहिबिटिंग हार्मोन कौन कौन से हैं जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है? फर्स्ट है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। जैसा कि इसका नाम सुजेस्ट कर रहा है, ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशंस को रिलीज करवाता है। सेकेंड है हमारे पास प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाता है। जो प्रोलैक्टिन है वो मैमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करे। जो एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है, फर्दर वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि T3, T4, जो कि
हॉर्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के, उनको रिलीज करे। नेक्स्ट हमारे पास है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन। जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड ल्यूटिनजिंग हॉर्मोन रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट इज मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। ये स्किन को स्टिमुलेट करते हैं कि मिलानोसाइट्स जो हैं उनको सिक्रेट करे, और मिलानोसाइट्स क्या करते हैं स्किन को कलर देते हैं, डार्कनिंग ऑफ स्किन करते हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि एडीनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन बनाए, जो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं फर्दर स्टेरॉइड्स रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट इज इनिबिटिंग हार्मोन। इनिबिटिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, इनिबिटिंग हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को कम करवाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को एंटीरियर पिट्यूटरी से कम करवाते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी लोकेशन कहाँ है? ये एक बोनी कैविटी में ब्रेन में प्रेजेंट होती है जिसका नाम है सेला टर्शिका, और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है उससे कनेक्टेड होती है। ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि जैसा हमने पहले देखा मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। लोकेशन है सेला टर्शिका, कलर ब्राउनिश पिंक रहता है, डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, वेट 500 mg, और शेप होती है पी शेप। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास दो पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडीनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के फर्दर दो पार्ट हैं, पास डिस्टैलिस जो कि इसका मेन पार्ट है, और सेकेंड है पार्ट इंटरमीडिया जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? ये सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, सोमैटोट्रोफिन का ही दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनजिंग हार्मोन जो है इनको रिलीज करती है। सोमैटोट्रोफिन यानी जो ग्रोथ हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है? ये बॉडी की ग्रोथ करवाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा सिक्रेशन हो रही है, ओवर सिक्रेशन हो रही है, तो हमें जाइजेंटिज्म देखने को मिलेगा, और अगर हाइपोसिक्रेशन हो रही है, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो हमें ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा, मतलब स्टंटेड ग्रोथ। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो एडल्ट्स में ज्यादा रिलीज हो रहा है, ज्यादा सिक्रेट हो रहा है मेनली मिडल एजेस में, तो उसमें हमें एक्रोमेगैली देखने को मिलेगी, मतलब जो पर्सन है उसका बॉडी स्ट्रक्चर ब्रॉड हो जाएगा, सीवियर डिसफिगरमेंट देखने को मिलेगी स्पेशली फेस की। इट लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है पर्सन की। अर्ली डायग्नोसिस इसके डिफिकल्ट हैं क्योंकि इस डिजीज कंडीशन को डेवलप होने में ज्यादा टाइम लगता है, और ये काफी टाइम के लिए अनडिटेक्टेड रह सकती है। दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है और मिल्क प्रोड्यूस करवाता है। जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काम है प्रोलैक्टिन का, और मिल्क रिलीज करवाना काम है ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करती है सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज एडीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्टिमुलेट करवाता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉइड हॉर्मोन्स। एडीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करता है? जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड में जो आउटर पार्ट है विच इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, उससे स्टीरॉइड हॉर्मोन्स की सिंथेसिस और सिक्रेशन करवाता है। नेक्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं मेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन्स। ये स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स करवाते हैं। नेक्स्ट इज ल्यूटिनजिंग हार्मोन। ये भी गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। मेल में ये एंड्रोजन्स की सिक्रेशन करवाता है, सिंथेसिस करवाता है फ्रॉम टेस्टिस। फीमेल में ये ओवुलेशन करवाता है एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम करता है। नेक्स्ट इज जो मिडल पार्ट था, पार्ट इंटरमीडिया, ऑलमोस्ट ये पास डिस्टैलिस के साथ ही मर्ज्ड होता है। ये सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है जो है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मिलेनोसाइट्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करवाते हैं। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन मिलेनोसाइट्स एंड दे रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन, स्किन को कलर देने का काम करते हैं मिलेनोसाइट्स। नेक्स्ट इज न्यूरोफाइसिस। न्यूरोफाइसिस है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
ये दो हार्मोन को स्टोर करके रखती है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन करता है। फीमेल्स में ये यूज होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उस टाइम पे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में, और इजी बर्थ में ये हेल्प करता है। इसके अलावा मिल्क इजेक्ट करवाने में, मिल्क प्रोड्यूसिंग हमने देखा वो प्रोलैक्टिन है, और मिल्क इजेक्ट जो करवाता है मैमरी ग्लैंड से वो है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायरेटिक का मतलब है जो डायरेसिस करवाते हैं, यूरिन को ज्यादा सिक्रेट करवाते हैं, लेकिन ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है, मतलब यूरिन के सिक्रेशन को कम करेगा। करता क्या है ये, स्टिमुलेट करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमारी बॉडी से जो वाटर लॉस होना है उसको रीअब्सॉर्ब करता है। जो किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड, उससे वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब करता है थ्रू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, एंड रिड्यूस करता है डायरेसिस। डायरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर को थ्रू यूरिन कम करवाता है और बॉडी में ज्यादा रिटेन रखने का काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब हम वाटर बॉडी में रिटेन नहीं रख पा रहे हैं, तो उस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस। और अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन के सिक्रेशन ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब पेशेंट को यूरिन कम आएगा, तो उस केस में हमें देखने को मिलेगा SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगर ADH के सिक्रेशन कम है तो डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलेगी, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा यूरिन आता है, और अगर ADH के सिक्रेशन ज्यादा हो रही है तो हमें देखने को मिलेगा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसमें कि पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा यूरिन फ्लूइड जो है पेशेंट की बॉडी में ही रिटेन रहता है। नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन पे प्रेजेंट होती है और सिक्रीट करती है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है, डायूरिनल रिदम ऑफ बॉडी को मेंटेन करके रखता है। डायूरिनल रिदम का मतलब है हमारे जो रूटीन वर्क होते हैं, जैसे स्लीप वेक साइकिल है, बॉडी टेम्परेचर, इसको मेंटेन करके रखना, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखना, ये किसका काम है, डायूरिनल रिदम को मेंटेन करके रखना, मेलेटोनिन का। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है, और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये हमारी बॉडी की अकेली ऐसी ग्लैंड है जो अपने ही हॉर्मोन्स को स्टोर करके रखती है। कौन से हैं इसके हॉर्मोन, T3 एंड T4। थायराइड ग्लैंड जो है ये नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, एंटीरियरली फ्रंट वाली साइड पे, और इन्फीरियर लैरिंग्स, इन्फीरियर टू लैरिंग्स, लैरिंग्स के सामने और इन्फीरियर साइड में डाउनवर्ड प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, सर्वाइकल 5th टू थोरेसिक 1st वर्टिब्रा। देन कलर इसका ब्राउनिश रेड होता है, वेट 25-30 ग्राम तक जाता है, एंड डायामीटर रहता है 5 cm × 2.5 cm × 2.5 cm। थायराइड ग्लैंड की दो लोब्स होती हैं जो कि ट्रेकिया के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, और इनको जो बीच में स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं इस्थमस, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। थायराइड ग्लैंड बनती है फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल सेल्स की, और इसकी दो लोब्स होती हैं। थायराइड ग्लैंड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि 4 नंबर है। थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है, मेनली T3 एंड थायराइड जो है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, T3 एंड T4। T3 का दूसरा नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन, और T4 का दूसरा नाम है थायरोक्सिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रेट करती है थायरोकैल्सेटोनिन, जिसका काम है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना। कैल्सेटोनिन या थायरोकैल्सेटोनिन करता क्या है, ये ब्लड में से कैल्शियम को बोन में लेके जाता है। फर्स्टली थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, जो कि T3 एंड T4 हैं, इनका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन जो है इनका है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखना। हमारा जो BMR है बॉडी का, मेटाबॉलिक रेट है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट भी करवाते हैं। दे ऑल्सो सपोर्ट RBC फॉर्मेशन, RBC फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स करवाते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसको मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं। अगर हम सिस्टम वाइज देखें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इनका क्या इफेक्ट रहेगा, अगर ये ज्यादा है, मतलब T3 और T4 ज्यादा सिक्रेट हो रहे हैं, तो ये हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन और रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करते हैं, ताकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो।
आपको जो साइन एंड सिम्टम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं हमें इन्हीं हार्मोन के बेसिस पे। अगर ये हार्मोन कम हो रहे हैं जैसा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और रेट जो है डिक्रीज हो जाता है, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उस केस में ये ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, अरिथमियाज देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम टेकीपीनिया करवाता है, अगर हाइपो है तो ब्रेडीपीनिया करवाएगा और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो टेकीपीनिया करवाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, बच्चों में ये ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एडल्ट्स में अलर्टनेस और एक्टिविटी ऑफ ब्रेन मेंटेन करके रखता है। हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमें लिथार्जी देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा अगर इन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो हमें मिक्स एडीमा कोमा देखने को मिल सकता है, पेशेंट जो है कोमा के स्टेज में जा सकता है। हाइपर में पेशेंट में एंग्जाइटी देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी और फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे ये जीआई सिस्टम की सिक्रेशंस को इंक्रीज करता है और मूवमेंट को इंक्रीज करता है। स्केलेटल मसल्स में ये नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प करता है जिसमें मेनली थायरोकैल्सिटोनिन का रोल है। स्लीप पे इसका क्या इफेक्ट है, ये कंसंट्रेशन और अलर्टनेस ऑफ ब्रेन को इंक्रीज करते हैं तो स्लीप को डिक्रीज करते हैं। बॉडी टेम्परेचर बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखते हैं, जितना ज़्यादा हमारा बीएमआर होगा उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी और उतना ही ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर होगा, तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा बॉडी वेट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको देखने को मिलता है कि वेट गेन हो रहा है, वो क्यों होता है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो गया, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, फैट बॉडी में ही स्टोर होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से इंक्रीज्ड वेट देखने को मिलता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें डिक्रीज्ड वेट देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से वेट लॉस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हार्मोन इज थायरोकैल्सिटोनिन, ये एक प्रोटीन हार्मोन है ये, और ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। ब्लड कैल्शियम मेंटेन करने में हमारी दो हार्मोन हेल्प करते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है और पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये ब्लड में से कैल्शियम को ले जाके बोन में डिपॉजिट कर देता है, मिनरलाइजेशन करता है, और पैराथायराइड हार्मोन ये क्या करता है, ये बोन में से कैल्शियम लाके ब्लड में डाल देता है जिसकी वजह से हमें डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही हार्मोन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कैल्शियम लेवल मेंटेन रखने के लिए ब्लड का। जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये डिक्रीज करता है और जो पैराथायराइड हार्मोन है ये इंक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की नॉर्मल सिंथेसिस के लिए आयोडीन चाहिए होता है, और अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो रही है तो हमें गोइटर देखने को मिलता है। गोइटर में मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमें थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए चाहिए आयोडीन, लेकिन आयोडीन जो है वो अब हमारे पास उसकी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस इतनी ज़्यादा नहीं होगी और हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा। थायराइड हार्मोन कम है उस वजह से जो ग्लैंड है वो अपना साइज इंक्रीज कर लेती है ताकि थायराइड ग्लैंड के सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं और ज़्यादा हार्मोन बना पाएं, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है जिसको कि हम ग्वाइटर बोलते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, जो T3-T4 है वो उनकी सिंथेसिस नहीं होगी, T3-T4 नहीं बन रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड अपना साइज इंक्रीज कर लेगी। वुमेन्स में इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अब जो बेबी है, अगर प्रेगनेंसी में किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है उसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है जिसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हमें बच्चे में देखने को मिल सकती है, लो आईक्यू लेवल हो सकता है बच्चे में, नॉर्मल स्किन हो सकती है, डेफ या म्यूटिज्म हमें देखने को मिल सकता है, बच्चा बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। आयोडीन रिच फूड कौन कौन से हैं, योगर्ट, चीज है, मिल्क है, एग्स हैं, सीवीड, क्रेनबेरीज, नेवी बीन्स एंड स्ट्रॉबेरीज, इन सब में आयोडीन ज़्यादा मिलती है। तो जिन एरिया में आयोडीन डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है उनमें हमें आयोडीन ज़्यादा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, वो हमें सॉल्ट में आयोडीन ऐड करके देती है ताकि लोगों में हाइपोथायरॉयडिज्म या गोइटर की शिकायत जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट हाइपरथायरॉयडिज्म,
हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन लेवल आपको देखने को मिलेगा, T3 T4 ज्यादा सिक्रेट होंगे, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी, प्रोट्रूजन ऑफ आई वॉल, आई वॉल्स ऐसा लगेगा बाहर की तरफ आ रही हैं, प्रोट्रूड हो रही हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सोपथैल्मस। हाइपरथायरॉयडिज्म में स्पेसिफिकली हमें एक्सोपथैल्मस देखने को मिलता है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट की आईज जो हैं वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रही हैं। इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं जिनका काम ही मेटाबॉलिज्म है। वेट लॉस होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है। होता क्यों है हाइपरथायरॉयडिज्म? या तो कैंसर है थायराइड ग्लैंड का, या फिर उसमें नोड्यूल्स बन गए हैं। इसमें हमें ग्रेव्स डिजीज भी देखने को मिलेगी। ग्रेव्स डिजीज में भी हमें हाइपरथायरॉयडिज्म ही देखने को मिलता है, जिसको कि हम एक्सोपथैल्मिक ग्वाइटर भी बोलते हैं। उसमें भी हमें एक्सोपथैल्मस का साइन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म ही हो रहा है, हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है, थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल। नेक्स्ट इज पैराथायराइड ग्लैंड, 4 in number है, और ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड के एक लोब में आपको एक पेयर पैराथायराइड ग्लैंड का देखने को मिलेगा। ये दो लोब हैं थायराइड ग्लैंड के, जिनमें दो दो पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट हैं, और जो इनको, जो थायराइड ग्लैंड को स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा था, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। नेक्स्ट लोकेशन, ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड पे, कलर इसका रहता है येलोइश, डायामीटर 6 mm × 4 mm × 2 mm, वेट 50 mg ईच ग्लैंड, हर एक ग्लैंड 50 mg की होगी। शेप पी शेप होती है, और इसको आप मेज सीड शेप्ड भी बोल सकते हो। दो तरह सेल इसमें होते हैं, चीफ सेल एंड ऑक्सीफिल्स। जो चीफ सेल्स हैं वो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, मतलब हार्मोन रिलीज करवाते हैं। कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन। और जो दूसरे सेल्स हैं उनको बोलते हैं हम ऑक्सीफिल्स, और ये नॉन सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, मतलब कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करते, ये सिर्फ जो चीफ सेल हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन क्या है पैराथायराइड ग्लैंड का? ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करने में, इंक्रीज करने में हेल्प करती है। हमने जैसे पहले देखा पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये बोन में से कैल्शियम लाके ब्लड में डाल देता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली हाइपरकैल्सीमिया, इसलिए इसको हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन भी बोला जाता है। बोन की रीअब्सॉर्प्शन यानी डीमिनरलाइजेशन करवाता है। इसके अलावा कैल्शियम के रीअब्सॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है रीनल ट्यूब्यूल से, और इंक्रीज करवाता है, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है फूड से, अलॉन्ग विद थायरोकैल्सिटोनिन। ये हेल्प करता है हमारी कैल्शियम बैलेंस बॉडी में मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बाइलोब ग्लैंड है, इसमें भी दो लोब प्रेजेंट होते हैं। ये लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम प्रेजेंट होती है। स्टर्नम हमारी कौन सी बोन है, ये हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है, जो हमारी रिब्स को फ्रंट साइड में कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। जो थाइमस ग्लैंड है ये थाइमोसिन हार्मोन जो है सिक्रेट करती है। थाइमोसिन हार्मोन्स जो है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बेसिकली ये टी सेल टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन करवाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो है हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। इसके अलावा ये प्रमोट करते हैं एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को। एंटीबॉडीज से हमें मिलती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। दो तरह के सेल होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स, या टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स जो हैं वो हमें सेल्युलर इम्यूनिटी देते हैं, और जो बी सेल्स हैं वो हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी देते हैं। थाइमस ग्लैंड विद एज डीजनरेट होती रहती है। जितनी ज़्यादा एज होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी डीजनरेशन हमें देखने को मिलेगी। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है जो एल्डरली होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। थाइमस ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या था? टी सेल्स और बी सेल्स को स्टिमुलेट करना, उनसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। बट अगर ये श्रिंक होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, तो उस वजह से थाइमोसिन जो है रिलीज नहीं हो पाएंगे। थाइमोसिन की वजह से टी सेल्स और बी सेल्स की डेफिशिएंसी होगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल्स कम हैं, तो इम्यूनिटी भी हमें कम ही देखने को मिलेगी, वीक देखने को मिलेगी, जो कि हमें एल्डरली में देखने को मिलता है। इसीलिए एल्डरली पेशेंट्स में जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। जो आउटर पार्ट है उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो इनर पार्ट है उसको हम एड्रीनल मेडुला बोलते हैं। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। लोकेशन इसके कहाँ है? अपर सरफेस ऑफ किडनी इन द
एपिगेस्ट्रिम रीजन। कलर येलोइश कलर की होती है, वेट 4 to 5 ग्राम ईच, और इसकी शेप दोनों की अलग अलग रहती है। दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है लेकिन शेप दोनों की अलग अलग है। जो राइट है उसकी शेप होती है ट्राइंगुलर शेप, और जो लेफ्ट है उसकी शेप होती है सेमी लूनार शेप, मतलब जैसे आपको हाफ मून देखने को मिलता है उस तरह की शेप होती है इसकी। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर कवरिंग थी, आउटर पार्ट था। इसकी 3 लेयर है। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, जो मिडल लेयर है उसको हम बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ये कौन कौन से हॉर्मोन्स बनाती है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हॉर्मोन भी बोला जाता है क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होता है। दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मेनली एल्डोस्टेरोन, और थर्ड एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड। फर्स्टली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करवाना। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनाना, लाइपोलाइसिस, लिपिड की लाइसिस करवाना, प्रोटीन की लाइसिस करवाना। देन ये इनहिबिट करते हैं सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन को तोड़ के बनते हैं, अमाइनो एसिड के सेलुलर अपटेक कम करवा देते हैं ये, ताकि जो सेल हैं वो ज़्यादा अमाइनो एसिड को यूटिलाइज ना कर पाएं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शंस को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। जो कॉर्टिसोल है ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स भी हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस करने का काम भी करते हैं। इसीलिए जिन पेशेंट्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाहर से जाते हैं, मेडिसिन के थ्रू जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस कर देते हैं, इम्यूनिटी कम कर देते हैं। सेकेंड इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखना। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रहेगा, उससे ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? सोडियम वाटर के रीअब्सॉर्प्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का टाइप है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सोडियम वाटर रीअब्सॉर्प्शन। अगर किसी का बीपी कम हो गया है तो उस केस में क्या करेगा? ये सोडियम और वाटर के रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर सोडियम को रिटेन कर रहा है, रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है, तो पोटाशियम को लॉस करवाएगा। पोटाशियम डिक्रीज करता है, एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट पोटाशियम एंड फॉस्फेट। थर्ड है हमारे पास एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स। इनका काम क्या है? ये हॉर्मोन्स एक्सियल हेयर की ग्रोथ करवाते हैं, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर की ग्रोथ करवाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन की डेफिशिएंसी से हमें क्या देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है, वीकनेस और फटीक देखने को मिलती है, जिसको कि हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो एडिसन्स डिजीज देखने को मिलेगा, और अगर इंक्रीज सिक्रीशन है तो हमें कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है, कुशिंग सिंड्रोम। सेकेंड इज एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला क्या करता है? कैटाकोलामाइन हॉर्मोन्स, मेनली एड्रीनालिन। एड्रीनालिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रीनालिन जिसका दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन, इनको प्रोड्यूस करता है। और ये कब सिक्रेट होते हैं? जब कोई एमरजेंसी या स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, इसीलिए इनको एमरजेंसी हॉर्मोन्स भी बोला जाता है, और हॉर्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट भी बोला जाता है। ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं एमरजेंसी के टाइम पे, अलर्टनेस इंक्रीज करेंगे, प्यूपल्स को डायलेट करवाएंगे, पाइलो इरेक्शन मतलब राइजिंग ऑफ हेयर करते हैं, और स्वेटिंग, हार्ट बीट, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करवाते हैं। आपको जो जो एमरजेंसी के सिचुएशन में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो सब किसका काम है? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का। इसके अलावा जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, स्ट्रेस की सिचुएशन है, तो हमें ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, इसीलिए ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करके हमें ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में इंक्रीज करते हैं। ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, जहाँ से हमें ग्लूकोज ज़्यादा मिल सके। एड्रीनल मेडुला के दो हार्मोन हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ये स्ट्रेस और इमरजेंसी की सिचुएशन में राइज करते हैं, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? जो इमरजेंसी के सिचुएशंस में सिम्टम आते हैं, जैसे कि अलर्टनेस इंक्रीज होगी, प्यूपल्स डायलेट होंगे, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग होती है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज होती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। इसके अलावा अगर बॉडी में ग्लूकोज की डिमांड ज़्यादा है तो ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन करवाते हैं, इसके अलावा ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स भी करवाते हैं, ताकि ग्लूकोज जो है बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मिले।
नेक्स्ट इज पैनक्रियास. पैनक्रियास हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, जिसका मतलब है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है. एंडोक्राइन पार्ट इसका सिर्फ एक से 2% रहता है. एंडोक्राइन पार्ट में हमारे पास आता है इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि क्या करते हैं, ये अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स को रिलीज करते हैं. अल्फा सेल्स जो हैं ये ग्लूकागॉन के सिक्रेशन करवाते हैं, और जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस है, ये इंसुलिन के सिक्रेशन करवाते हैं. पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट है वो 1-2% है. इसमें हमारे पास आते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, और इनका काम क्या है, अल्फा सेल और बीटा सेल्स. इसमें हमारे पास अल्फा सेल और बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अल्फा सेल का काम क्या है, ग्लूकागॉन रिलीज करवाना, और बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन रिलीज करवाना, सिक्रीट करवाना. बेसिकली इन दोनों का काम क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज हीमोस्टेसिस, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करके रखना. ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन से हमें मिलता है ग्लूकोज. इट एक्ट ऑन हिपेटोसाइट्स, लीवर के सेल्स पे काम करता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज को तोड़ने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है और हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है. जितना ज़्यादा ग्लूकागॉन होगा उतना ज़्यादा शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा. ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बनेगा. रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. इसके अलावा ये क्या करता है, सेल जो है उसको ग्लूकोज को यूटिलाइज करने नहीं देता, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहे. इंसुलिन, इंसुलिन आपने सुना होगा हम डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं. क्यों देते हैं, क्योंकि उनमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है. ये भी हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे काम करती है, और ये सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज करवाती है. ग्लूकागॉन जो था वो डिक्रीज करवा रहा था सेल के थ्रू ग्लूकोज के अपटेक को, लेकिन जो इंसुलिन है ये एनहांस करती है, इंक्रीज करती है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, जिसकी वजह से ब्लड में से ग्लूकोज जो है वो मूव करके कहाँ जाता है, हिपेटोसाइट्स में और एडिपोसाइट्स में, और ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होता है. इसलिए हम डायबिटीज में क्या यूज करते हैं, इंसुलिन करते हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या करवाती है, रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया और नॉर्मल ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है. स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, जिसका मतलब है ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस. इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू लॉस होता है, और कीटोन बॉडीज बनती हैं. कीटोन बॉडीज जो है वो फैट के ब्रेकडाउन से बनती हैं. डायबिटीज मेलाइटिस में बेसिकली होता क्या है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, जिसका मतलब है पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आएगा, पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगेगी, और पेशेंट को भूख ज़्यादा लगेगी. क्यों लगेगी, क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, जिस वजह से एनर्जी नहीं मिलती है. तो उस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. अब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो फैट को तोड़ना शुरू कर देता है. फैट के ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलता है, कीटोन बॉडीज मिलती हैं, जो कि डायबिटीज में इंक्रीज देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा फैट टूटता है, फैट टूटता है, ब्रेकडाउन फैट का ज़्यादा होता है एनर्जी के लिए. इसके लिए हम देते हैं पेशेंट्स को इंसुलिन थेरेपी. इंसुलिन क्या करवाएगी, ब्लड से सेलुलर अपटेक करवाएगी ग्लूकोज का. नेक्स्ट आर गोनैड्स. मेल में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, और फीमेल में ओवरीज. टेस्टिस जो है ये मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है. पेयर ऑफ टेस्टिस जो है प्रेजेंट रहता है स्क्रोटल सैक में. टेस्टिस किससे बना होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको कि हम स्ट्रोमल सेल्स भी बोलते हैं. इनमें लीडिंग सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये एंड्रोजन हॉर्मोन्स मेनली टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं. एंड्रोजन का काम क्या है, ये डेवलप करते हैं, मैच्योर करते हैं और फंक्शन करवाते हैं एक्सेसरी मेल सेक्स ऑर्गन्स का, और स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, जिसका मतलब है स्पर्म की प्रोडक्शन करवाते हैं. इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर को स्टिमुलेट करते हैं, मसल्स की ग्रोथ करवाते हैं, हेयर की ग्रोथ करवाते हैं. अग्रेसिवनेस जो हमें मेल में देखने को मिलती है वो हमें एंड्रोजन्स की वजह से देखने को मिलती है. मेल्स में लो पिच वॉइस होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, एंड्रोजन्स की वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है. जो फीमेल्स हैं उनमें हाई पिच वॉइस होती है, जो कि ईस्ट्रोजन की वजह से होती है. एंड्रोजन्स इसके अलावा हेल्प करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के यूज में, ब्रेकडाउन में, ताकि बॉडी उनको यूटिलाइज कर पाए. फीमेल गोनैड्स हैं ओवरी. ओवरी जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और पेयर ऑफ ओवरी हमें देखने को मिलता है एब्डोमिनल रीजन में, जो प्रोड्यूस करता है ओवम को ड्यूरिंग, एक ओवम जो है वो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है.
ओवरी बनती है ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल सेल से, और जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो ईस्ट्रोजन बनाते हैं जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है। ओवुलेशन के बाद मतलब ओवम रिलीज होने के बाद जो रह जाता है रप्चर्ड फॉलिकल उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता रहता है। ईस्ट्रोजन का काम क्या है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और डेवलप करवाता है ओवेरियन फॉलिकल्स को। इसके अलावा रेगुलेट करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को एंड सेक्सुअल बिहेवियर को, जैसे कि हाई पिच वॉइस है उसको, वो उसके लिए भी ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है और डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी करवाता है। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है, प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा ये मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्सट्रैक्शन रहता है, ये स्टिमुलेट करता है एल्वियोलाई मतलब जिनमें ब्रेस्ट में मिल्क स्टोर होगा उन सैक्स को बनाने में हेल्प करता है और मिल्क के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं आते हैं लेकिन हर्ट किडनी और जीआई ट्रैक में सिक्रीट होते हैं, जैसे कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस ऑफ किडनी, ये सिक्रीट करता है एरिथ्रोपोइटिन। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस को, मतलब किडनी से जो हार्मोन आता है एरिथ्रोपोइटिन वो क्या करता है एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करवाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिन सिक्रेटिन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। जो गैस्ट्रिन है ये एचसीएल की सिक्रेशन करवाता है और पेप्सिनोजन की सिक्रेशन करवाता है। जो सिक्रेटिन है ये एक्सोक्राइन पार्ट जो है पेनक्रियाज का उससे वाटर और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करवाता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है ये गैस्ट्रिन की सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है उसकी सिक्रेशन को कम करता है। जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये गॉल ब्लैडर से बाइल की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। हॉर्मोन्स कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, चार तरह के होते हैं, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन, जिनमें हमारे पास आते हैं इंसुलिन ग्लूकागॉन पिट्यूटरी हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। सेकेंड टाइप रहती है स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन में आते हैं हमारे पास कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन। थर्ड टाइप है एडोथायरोनेंस जिसमें आते हैं हमारे पास थायरॉयड हार्मोन्स। फोर्थ टाइप है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें आता है हमारे पास एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसमें आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।